नमस्कार, स्टाफ सोल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और कल मैंने आप लोगों को एक वैकेंसी भेजी थी फाइनेंस कंपनी की, और उसमें से हमारे बहुत सारे साथी हो सकता है इंटरव्यू देने गए भी रहे हों। और मैंने एक बहुत सिंपल प्रोसेस बताई थी, जिसके अंदर आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन की बटन प्रेस करना था, और वो बेल आइकॉन की बटन प्रेस करने के बाद आपको उसी बेल आइकॉन का स्क्रीनशॉट लेकर के स्टाफ सोल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर भेजना था। तो जो कैंडिडेट कल नहीं कर पाए थे, तो कोई बात नहीं, वो आज भी कर सकते हैं। और आज जो हमारे पास वैकेंसी भोपाल लोकेशन के लिए अवेलेबल है, उसमें इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो अब जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन खुल चुका है और धीरे धीरे बहुत सारी दुकानें हैं या फिर जो ऑफिसेज हैं वो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। तो इसलिए उसी तेज़ी से हम भी चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे, आपकी ज्वाइनिंग हो, और उसी आधार पर हम आपके लिए पर डे नई वैकेंसी लेकर के आते हैं। तो आप वीडियो में हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। एक सबसे बड़ी गलती आप लोग ये कर देते हैं कि वीडियो होता है 5 मिनट का, आप लोग 1 मिनट देखते हैं, बंद कर देते हैं, फिर फोन लगाते हैं कि सर जॉब दिलवाइए, आपने जॉब नहीं दिलवाई। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ और उस उदाहरण के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर के पास आप गए, तो डॉक्टर ने आपको जो चीज़ बताई उसी चीज़ के लिए आप फोन लगा रहे हैं, डॉक्टर ने जो दवाई दी या जो बोला उसकी बात नहीं मानी, बार बार डॉक्टर को फोन लगा रहे हैं कि सर हम ठीक नहीं हुए, ठीक नहीं हुए। तो फोन लगाने की बजाय आपको डॉक्टर ने जो दवाई दी है या उस दवाई को जैसे जैसे खाने के लिए बोला है वैसे वैसे खाएंगे तो हो सकता है आप ठीक हो जाएं। अदरवाइज अगर आप उससे ये बोलेंगे ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, और दवाई नहीं खाएंगे, तो आप कैसे ठीक होंगे। सेम यही चीज जॉब में भी है। आप लोग जितना फोन लगा के बोलते हैं सर जॉब दिलाइए, जॉब दिलाइए, उससे बढ़िया जो चीज हम बोलते हैं उसको फॉलो कर लीजिए, तो जॉब अपने आप चल करके आ जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग बहुत अच्छी सैलरी पे हो जाएगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। इसलिए आपसे एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ कि जो चीज हम वीडियो के अंदर बोलते हैं वो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखा करिए और वो चीज़ आप सुना करिए कि आपको वीडियो के अंदर हमने क्या बताया है, आपको क्या करना है। तो ये हो गई आज की बात। लेकिन वैकेंसी की जानकारी देने से पहले एक निवेदन आप सभी से हाथ जोड़ करके कर रहा हूँ। 5 तारीख को यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता हो उन सभी दोस्तों से निवेदन है कि परसों जो है विश्व पर्यावरण दिवस है। आप जीवन में अपने कुछ करें या ना करें, लेकिन आप विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर स्टाफ सोल्यूशन की तरफ से ये विनम्र अपील कर रहा हूँ पूरे अपने कंपनी की तरफ से कि आप विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ अवश्य लगाइए अपने घर पर, और जो लोग ऐसा करेंगे उसका वीडियो बना करके आप स्टाफ सोल्यूशन के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 9617367946 पर। तो जो लोग वो वीडियो बना करके भेजेंगे उनको हम मिनिमम 15,000 की नौकरी से लेकर के, और इससे जो ज़्यादा सैलरी ऊपर होगी उस वैकेंसी के अंदर, उस कंपनी के अंदर आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएंगे। कुछ नहीं करना है, चलिए ठीक है, हमने आप लोगों को एक ऑफर दिया था वो आप लोग नहीं कर पा पाए जो सब्सक्राइबर वाला था, पर ये बहुत आसान काम है। आपको 2 रुपये का, 5 रुपये का कोई सा भी पेड़ मार्केट से किसी भी जहाँ पे नर्सरी होती है पौधों की वहाँ से खरीदना है, और आपके घर के आसपास नर्सरी अवश्य होगी, तो वहाँ से आप एक पेड़ खरीदिए छोटा सा, और उसको आप अपने घर के आसपास या जहाँ भी आप खाली जगह में लगाइए, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके। वीडियो मिनिमम कम से कम 2 से 3 मिनट का होना चाहिए, इससे ऊपर ही होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। वो आप भेजिए और हम आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएंगे मिनिमम 15,000 की सैलरी में, मैक्सिमम आपको 50,000 तक की जॉब हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएंगे। आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, इससे आप पर्यावरण के लिए भी काम करेंगे और आपकी जॉब भी सिक्योर हो जाएगी, श्योरिटी हो जाएगी आपके नौकरी की। तो और इस मैसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिएगा। अब चलिए दोस्तों, आज के वैकेंसी की बात कर लेते हैं। आज जो भोपाल लोकेशन में हमारे पास वैकेंसी है वो बहुत अच्छी कंपनी की वैकेंसी है,
तो देखिए ये मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है, और ये जो इसका ऑफिस है कंपनी का वो BHEL एरिया में है। कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये स्टाफ सोल्यूशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नहीं होगा, ये वैकेंसी हमारे पास कहीं से आई हुई है, तो वहाँ पे स्टाफ सोल्यूशन का रेफरेंस नहीं लग पाएगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग बात कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर सबसे पहले वैकेंसी का बता देता हूँ, 8319718628, 8319718628। और जो एकोमोडेशन होगा यानी रहने वहने की व्यवस्था होगी, मेल कैंडिडेट्स के लिए टूरिंग जॉब है, जैसे आपको बाहर आना जाना पड़ सकता है मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी, लेकिन कंपनी की कार मिलेगी आपको आने जाने के लिए। आप कंपनी की कार से विजिट कीजिए, जैसे जबलपुर हो गया, इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, जहाँ भी आपको कंपनी भेजेगी तो आपको कंपनी बकायदा अपनी गाड़ी देगी, कार प्रोवाइड करेगी आने जाने के लिए, और रहने खाने का जो भी खर्च होगा वो आपको दिया जाएगा। और इसमें जो वैकेंसी हैं वो 10 लोगों के लिए खाली हैं, और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये है। और दूसरी जो वैकेंसी है वो अकाउंटेंट के लिए है, टैली आना चाहिए इसमें तो, और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, GST, टैक्सेशन, बैलेंस शीट, टैली इसमें सबसे मस्ट है। और ये मैंने आपको वैकेंसी का कांटेक्ट नंबर भी बता दिया है। जो BHEL एरिया में कैंडिडेट रहते हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं, दूसरी जगह से भी लोग इंटरव्यू देने जा सकते हैं, जैसे कि आप पिपलानी में रहते हो, या MP नगर में रहते हो, या होशंगाबाद रोड पे, कुलार में, कहीं भी आप रहते हो तो जा सकते हैं। और कांटेक्ट नंबर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 8319718628। लेकिन जो बात एक मैंने आपको बोली कि ये स्टाफ सोल्यूशन की तरफ से नहीं है वैकेंसी, ये हमारे पास कहीं से आई हुई है, इसलिए स्टाफ सोल्यूशन का रेफरेंस नहीं लगेगा। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कॉल करके जा सकते हैं। इंटरव्यू लगभग 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और शाम को 5 बजे तक चलेंगे, लेकिन आप लोग 5 बजे तक का वेट मत करिएगा, आप लोग 11 से 2 के बीच में चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या मैक्सिमम 3 बजे तक। तो ये मैंने आज आपको जो वैकेंसी थी उसकी जानकारी दे दी, और इस वीडियो के माध्यम से आपसे एक बार फिर अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को एक पेड़ अवश्य लगाइए अपने घर में, और उसका वीडियो भेजिए। हम आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराएंगे 25,000 की नौकरी में, 30,000 की नौकरी में, 20,000 की, 15,000 की, मैक्सिमम 50,000 तक की सैलरी में। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों एक और बात आपसे बोलना चाहूँगा, वो ये है कि जैसा कि आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, हो सकता है अखबारों में भी पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा, जो हमारा पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर हीरा की खदानें हैं, आप लोगों को पता है, वहाँ पे एक बकसवाहा नामक एक बहुत बड़ा एरिया है। तो गवर्नमेंट ने एक कंपनी को उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, तो वहाँ पे लाखों की संख्या में कंपनी पेड़ काटने की तैयारी कर रही है वो हीरा निकालने के लिए। तो आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से विनम्र अपील करूंगा कि आप लोग इसके लिए संगठन बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करिए कि पेड़ ना काटे जाएं, पेड़ों की जान की कीमत पे आप विकास करना चाह रहे हैं, अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, सरकार अपना प्रॉफिट दे रही कि उसे लीज पे ज़मीन देने से उसे एक आय का जरिया मिल जाएगा। तो हीरा हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन है। अभी कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन की किस तरीके से हमारे पूरे देश में कमी हो गई थी, और 20-20, 25-25 हज़ार का सिलेंडर बिक रहा था ऑक्सीजन का, और लोग कितना ज़्यादा परेशान हुए इस ऑक्सीजन के लिए, जो कि हमारे प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी हुई है ऑक्सीजन। हमारे पेड़ पौधे जो हैं, जो हम प्लांट लगाते हैं, वहाँ से हमें ऑक्सीजन मुफ्त मिलती है, लेकिन उस ऑक्सीजन के लिए लोग इतना परेशान हुए, जगह जगह भटके, हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, और यहाँ तक कि कई लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए ऑक्सीजन की कमी के कारण। इसलिए आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और पर्यावरण को बचाने में आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद।